तो छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट इस वक्त के जो है निकल के आ रहे हैं जी हाँ। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए जो है 15 अक्टूबर से नया नियम लागू जी हाँ। 15 अक्टूबर 2024 आप सभी के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रहा है। बीएड वालों को 8 साल बाद मिला शिक्षक बनने का मौका। 85,000 शिक्षक भर्ती के लिए 15 अक्टूबर से आवेदन शुरू और स्कूलों में जो है 45,852 प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापक होंगे नियुक्त जी हाँ। आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने बीएड और डीएलएड कोर्सेस किए हैं, और वो सभी स्टूडेंट जो है इसी इंतजार में, जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीएड और डीएलएड कोर्सेस करते हैं, उनमें से हर एक स्टूडेंट का सपना होता है शिक्षक बनने का, और होना भी चाहिए क्योंकि वो सभी स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। देखिए 12वीं पास करते हैं और वो सभी स्टूडेंट डीएलएड कोर्स करते हैं, फिर कॉलेज ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद बीएड कोर्सेस करते हैं, और उसके बाद जो है टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं, सी जी टेट एग्ज़ाम्स को चाहे सी टेट एग्ज़ाम्स को। इतने ज़्यादा प्रक्रिया को पार करने के बाद ही शिक्षक जो है बनते हैं, और ऊपर से कम पोस्ट निकल के आते हैं, और उसके लिए लाखों के कैंडिडेट्स होते हैं। तो लाखों के कैंडिडेट्स को जो है बीट करके, लाखों के कैंडिडेट्स को हरा के आगे बढ़ते हैं, और तब जाके उनको कामयाबियां मिलती हैं। तो वो सभी स्टूडेंट अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, पूरी कोशिशें जो है तमाम मेहनत जो है करते रहते हैं। जो स्टूडेंट जो शिक्षक बनते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब जिनको मिलता है उनमें, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनमें, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होता है, जिनका सिलेक्शन होता है ना, जिनका जो भी स्टूडेंट है जो शिक्षक बनते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है उन्हें अपने आप के ऊपर भरोसा होता है जी हाँ। उन्हें शुरू से ही, जब से वो स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, तब से कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप के ऊपर भरोसा होता है कि हाँ मैं इस कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर लूँगा, मैं शिक्षक बन पाऊँगा। वही काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन से नहीं होता उनको जो है अपने आप के ऊपर डाउट रहता है, खुद के ऊपर शक रहता है, उन्हें अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, बिलीव ही नहीं होता उन्हें, ये इस चीज़ पर बिलीव होता है कि हमसे बहुत से लोग होंगे जो कैपेबल होंगे, या हमसे बहुत से लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, या हमसे बहुत से लोग होंगे जो बड़े शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, हम जो है कहाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा कहाँ से एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। वो इन्हीं छोटी चीज़ों पर सोच में ही पड़ जाते हैं, और वो अपना कॉम्पिटिशन जो है दूसरों को मानने लगते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं रहता। जब आप कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, इस बार के बस नहीं, आने वाले कोई भी हो, तो आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना होगा और खुद के ऊपर भरोसा करना होगा। दूसरों के बारे में मत सोचिए कि बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आपका कॉम्पिटिशन आपका खुद से होता है, अपने मन को हराना ही सबसे बड़ी बात होता है। जिस दिन आप खुद से जीत जाओगे ना, उस दिन सबसे जीत जाओगे, फिर उस दिन आपको विजयी होने से, फिर उस दिन आपको सक्सेस होने से, फिर उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आपको काम से अपना लगाव होना चाहिए, काम से आपको प्यार होना चाहिए। अगर आप एक ही चीज़ काम कर रहे हो तो उसमें बोरियत महसूस होने लगता है, लेकिन आप फुल एक्साइटमेंट के साथ अगर आप मेहनत करोगे, तो जब वो उसी तरह से उसी एनर्जी के साथ आप तभी मेहनत कर सकते हो जब आप उसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो जो भी स्टूडेंट है जो शिक्षक बनना चाहते हैं, आपका अगर इंटरेस्ट है शिक्षक बनने का, अगर आपका सपना है, ड्रीम्स है शिक्षक बनने का, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, शिक्षक बनने के अपने सपनों को एक नई उड़ान देना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो बस आज से ही कोशिश करना, आज से ही मेहनत करना, आज से ही गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना, आज से ही हार्डवर्क करना जो है शुरू कर दो। क्योंकि जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे, जितना ज़्यादा स्टडी करोगे, उतने ही ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा आपको लाइफ में फिर सक्सेस मिल पाएगा जी हाँ। तो छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए
काफी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रहे हैं जी। और 15 अक्टूबर से आप सभी के लिए नया नियम लागू, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आप सभी के लिए जो है शिक्षकों की भर्ती परीक्षा होने वाली है। जो भी स्टूडेंट है जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट जो टीचर्स बनना चाहते हैं, बस मेहनत पर ध्यान दो, कोशिशों के ऊपर ध्यान दो। जितना ज़्यादा आपका कोशिश होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क होगा, जितना ज़्यादा आप स्टडी पर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशन पर, जितना ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट्स मेहनत पर ध्यान दोगे, उतने ही ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा आपको लाइफ में फिर सक्सेस मिल पाएगा। तो जो भी स्टूडेंट है जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, या जो भी स्टूडेंट है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, या जो भी स्टूडेंट है जो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सच में सपने देखते हो, तो बस उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। और आप सभी के लिए अपकमिंग वैकेंसी जो है निकल के आने वाला है, तो आपसे जीके जितना ज़्यादा हो सके जनरल नॉलेज ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो कोई भी भर्ती परीक्षा हो, जनरल नॉलेज हो गया और मैथ्स हो गए, ये हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, ये हर एक भर्ती परीक्षा एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। इसलिए हमेशा जो है तैयारियों के ऊपर, इसलिए हमेशा आपको प्रिपरेशन के ऊपर, इसलिए हमेशा आपको अपने स्टडी के ऊपर ही ध्यान जो है देते रहना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जी हाँ जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा वर्क करोगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर देन, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट हो पाएगा। तो कभी भी आपको मेहनत करने का या कभी भी कोशिश करना आपको नहीं छोड़ना। जितना ज़्यादा आपका कोशिश होगा, जितना आपका मेहनत होगा, जितना आपका हार्ड वर्क होगा, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा आपको सफलताएँ, उतने ही ज़्यादा आपके सभी सपने, उतने ही ज़्यादा आपके सभी सपने, उतने ही ज़्यादा आपके सभी ड्रीम्स फिर पूरे हो पाएंगे। सपने आपके हैं तो उन सपनों को पूरा भी आपको ही करना है। और मुझे पता है कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो सपने देखते हो, और जो भी स्टूडेंट जिनको अपने आप के ऊपर भरोसा है, जिनको अपने सपनों के ऊपर पूरे भरोसा है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो, बहाना नहीं बना रहे हो, वही स्टूडेंट्स लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। वो उन्हीं स्टूडेंट्स को ही कामयाबी मिल पाएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को ही केवल सक्सेस, उन्हीं स्टूडेंट्स को ही केवल कामयाबी, उन्हीं स्टूडेंट्स को ही केवल शोहरत बुलंदियाँ जो है सक्सेस मिल पाएगा, और वही स्टूडेंट्स लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। जी हाँ, तो हमेशा जो है लाइफ में आगे बढ़ना है तो बस मेहनत करो, कोशिश करो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत जो है करते रहो, आने वाला वक्त जो है तुम्हारा ही होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जो है जरूर करना। 15 अक्टूबर 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, थैंक यू।